हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। और भाई कैसे हैं सारे लोग? सब बढ़िया है, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दो तीन चार दिन से वीडियो आपके सामने नहीं ले आ पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सारी चीज़ें सही हो गई हैं। आज नए लेक्चर के साथ आपके सामने, और आज का लेक्चर आप देख रहे होंगे, आप कहोगे इस पे क्या बताओगे। देखिए, क्वेश्चन खूब बनते हैं, अच्छे टर्म हैं सब। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या मेजर ऑर्गेनाइजेशन। भाई मेजर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी तो हम आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले इंसान हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसी पर हम चर्चा किए थे। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन हर फील्ड की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे अपेक्स बॉडी है, उस पर मैं चर्चा किया था कि नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। जो बंदा नहीं देखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो है उस पर एक बार टाइम दीजिए, आपको डेफिनेट समझ में सारी चीज़ें आएगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो बंदा नहीं किया है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना व्यू दीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी करिए, तो भाई अगर जो कमियां होगी उसको दूर की जाएगी। तो बातें तो डेली करनी है। चलिए स्टार्ट किया जाता है। आपके सामने लिखा है क्या IARI एंड ICAR, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, किस पे काम करता है, मैंने आपको बताया था, शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। भाई जो एजुकेशन है और आपका रिसर्च का एरिया है एग्रीकल्चर में, उस पर कौन काम करता है, ICAR, दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे ICAR का, ये पढ़ाई नहीं करवाता, ठीक है, ये मैनेज करता है और रिसर्च देखता है, और बाकी जो आपका IARI है ये दोनों काम करता है, रिसर्च भी करता है और एजुकेशन भी करता है, ठीक है। तो एक एक करके देख लिया जाता है। देखिए ये लोगो है किसका, IARI का, ये आपका ICAR का लोगो है। यहाँ पे देखिए एक क्रॉप आपको दिख रही होगी, तो पूछा जाता है कि ICAR के लोगो में कौन सी क्रॉप का मेंशन हुआ है, तो कौन सी क्रॉप है, वीट है, देखने से आपको दिख रहा होगा गेहूं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार चर्चा कर लेंगे, जो इससे पुरानी क्लासेस थी, आपको पता है उस दिन मैं अपेक्स बॉडी की बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र की सबसे बड़ी बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का सेक्टर कौन कौन सा है, या एग्रीकल्चर का एरिया कौन कौन सा है, इस पर मैंने चर्चा की थी। एरिया है उसका अपेक्स बॉडी। एग्रीकल्चर का एरिया कौन कौन सा था मैंने आपको बताया था, पहला एरिया कौन सा था, रिसर्च, दूसरा एरिया कौन सा था, एजुकेशन, तीसरा एरिया कौन सा था, मार्केटिंग, चौथा क्या था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है, और आपका जो वीट एंड राइस है इसका स्टोरेज और बाकी कोटेदार को देना, और क्या है जो और एग्रीकल्चर, मतलब वीट और राइस के अलावा और जो सारी चीजें होती है, जो जिसको खरीदारी करता है या स्टोर करता है, ठीक है, उसका उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। और क्या होता है आपका, एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब जानते हो प्रसार, तो मैंने आपसे चर्चा कर दिया क्या कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक होता है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं मार्केटिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन, ये सब चीज़ें हो गई, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, वीट एंड राइस को जो खरीदारी की जाती है, जो उसको स्टोर करता है, इस सब की क्या है, अपेक्स बॉडी है। और एक चर्चा कर लेते हैं जैसे प्रसार की बात, तो मैंने आपको बताया था रिसर्च और एजुकेशन की सबसे अपेक्स बॉडी कौन सी है, ICAR। भाई पढ़ाई के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ICAR। मार्केटिंग की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, DMI, क्या है, DMI। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, तो आप लिख सकते हो क्या, NOFED, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, एक एक करके आप लिख लीजिएगा। एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, अपेडा, क्या है, अपेडा, बात समझ गए कि नहीं। एक्सटेंशन की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, मैनेज, कौन सी है, मैनेज। और वीट और राइस को स्टोर करता है, खरीदता है, इसकी सबसे अपेक्स बॉडी कौन सी है, FCI, कौन सी है, FCI।
ठीक है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको स्टोर करने का खरीदने का काम कौन करता है? CWC। इसके बारे में हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, रिसर्च और एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? ICAR। मार्केटिंग की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? DMI। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग की सबसे बड़ी क्या है? NOFED। और एक्सटेंशन की सबसे बड़ी क्या है? मैनेज। एक्सपोर्ट की अपेडा। वीट एंड राइस को खरीदना और बेचना, ठीक, कौन करता है? FCI। और स्टोर भी करता है। CWC क्या करता है? जो एग्रीकल्चरल और प्रोडक्ट हैं उनको स्टोर करता है, उनको बेचता भी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ये आपके क्या है? मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपने अपने एरिया के। तो एक एक करके देखेंगे। आज जैसे मैं चर्चा करने वाला हूं किस पे? IARI पे और ICAR पे। ठीक है, ICAR पे पहले देख लेते हैं क्या IARI। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ सन के नाम लिख दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए। ठीक है, पहला लिख लीजिएगा क्या, 1901 से 1905। ठीक है, फिर क्या लिख लीजिएगा, 1905। ठीक है, फिर और क्या, 1911। फिर क्या, 1919। फिर लिख लीजिएगा 1923। इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आगे लिख लीजिएगा क्या, 1934। और क्या लिख लीजिएगा, 1936। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, 1901 से 1905 के बीच में इंडिया में सबसे पहले क्या किया गया था, 6 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्या? 6 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां कहां पे की गई थी? एक तो यही हमारे कानपुर में था, दूसरा कहां, लियालपुर में था जो कि आज के डेट में पाकिस्तान है, तीसरा साभौर जो बिहार में है। ठीक है, उसके बाद एक नागपुर में किया गया, एक पुणे में किया गया और एक आपका कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में। और नागपुर पुणे कहां पे है, क्या नाम, महाराष्ट्र में है। तो ये 6 महाविद्यालय या 6 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1901 से 1905 के बीच में की गई थी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पूछा जाता है सबसे पहले कितने कॉलेज की स्थापना की गई थी, आप क्या कहोगे? 6। कहीं कहीं 5 भी दिया है किसी बुक में, तो कंफ्यूज मत होना। अगर 5 भी ऑप्शन में है तो उसमें नागपुर आप मत लिखना। ठीक है, नहीं तो 6 100% सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1905 को आई, जो आज के डेट में आप बोलते हो क्या, IARI, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन उस टाइम IARI नहीं था। क्या था, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टाइम क्या था, ये क्या था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI था। क्या था? ARI। कहां पे हुआ था? पूसा बिहार में। तो पूसा बिहार की बात होती है, लेकिन उस टाइम बिहार किसमें था, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, लेकिन पूसा नामक स्थान पर बिहार में ARI की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। कब? 1905 में। ठीक है, अब आप जो पूसा पढ़ा जाता है, पूसा, तो इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या था, जब यहां पे कॉलेज और IARI की स्थापना पूसा में हो रही थी, तो USA का एक बंदा था, उसका नाम क्या था, लिख लीजिएगा क्या, हेनरी फिलिप्स। क्या था? हेनरी फिलिप्स। तो ये बंदा क्या किया था, भारत सरकार को क्या किया था, भारत को इस सब डेवलप करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए लगभग 9,00,000 रुपए दिया था, दान दे दिया था कि ले जाइए आप अपने यहां एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करिए। ठीक है, तो जो ये फिलिप्स साहब थे, इनके रिक्वेस्ट, मतलब इनके रिस्पेक्ट के बेस पे फिलिप का पी ले लिया गया। और ये रहने वाले कहाँ के थे, USA के रहने वाले थे। तो पूरा पढ़ा क्या जाता है, पूसा। तो इसी वजह से IARI से जितनी भी वैरायटी निकलती है उसके आगे एक कोड लगा रहता है क्या, पूसा। तो पूसा का मतलब यही है, हेनरी फिलिप साहब ने 9,00,000 रुपए, ठीक है, कहीं कहीं 30,000 पाउंड भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
तो इन्होंने पैसा दिया था किसको, भारत को, जाइए अपने यहां एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करिए, इसी के नाते क्या लिखा जाता है, पूसा लिखा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके आप समझ गए होंगे। देखिए 1905 में क्या किया गया था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, इतना आप समझ गए ना। चलिए अब देखिए क्या हुआ 1911 में क्या हुआ, IIAR कर दिया गया, मतलब उसका नेम चेंज कर दिया। जैसे देखिए आज की डेट में सरकार नहीं डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर देती है, तो 1905 में क्या था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, IIAR। IIAR का फुल फॉर्म क्या होता, लिख लीजिएगा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, इतना हो गया। फिर जो IIAR था 1919 में इसको कर दिया गया क्या, IARI, बात समझना। 1911 में क्या था, IIAR, उसके बाद 1919 में क्या कर दिया, फिर से उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बात समझ गए कि नहीं। फिर 1923 में क्या हुआ, देखिए 1923 में ये क्या किया गया, क्या किया, डिप्लोमा की डिग्री देना स्टार्ट किया, डिप्लोमा एसोसिएट की डिग्री देना ये स्टार्ट किया, कब से, 1923 में, ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखिए जब 1905 में इसका स्थापना हो रहा था उस टाइम वाइस रॉयल्टी कौन थे, तो आप लिख सकते हो वाइस रॉयल्टी कौन था, वाइस आयर कौन थे, लॉर्ड कर्जन साहब थे, आप लिख लीजिएगा क्या, कर्जन साहब, सॉरी, तो कौन था, लॉर्ड कर्जन साहब वायरसायर, मतलब तब भारत आजाद हुआ नहीं था, अंग्रेज राज करते थे। तो पूछा जा सकता है कि जब IARI पूसा बिहार की स्थापना हो रही थी उस समय वाइस रॉयल्टी कौन था या वायरसायर कौन था, तो आप क्या कहोगे, लॉर्ड कर्जन साहब थे, ठीक है। यहां पे डिप्लोमा देना स्टार्ट कर दिया। फिर 1934 में क्या हुआ, यहां पे अर्थ क्यूक आ गया, क्या आ गया, अर्थ क्यूक आ गया, भूकंप आ गई, तो भूकंप आने से क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, बात समझ गए कि नहीं। जब तहस नहस हो गई, इससे पहले 34 से पहले 1929 आएगा कि नहीं आएगा, इस टाइम ICAR की स्थापना कर दी गई थी, कहां कर दी गई थी, पूसा न्यू दिल्ली में। तो क्या किया गया, अब मेन बॉडी कहां पे है, दिल्ली में, तो उसी के बगल में इस IARI को क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो 1936 में कितना, 1936 में जो पूसा बिहार था IARI, उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, आपके न्यू दिल्ली में। तो पूछा जाता है कि IARI को कब शिफ्ट किया गया न्यू दिल्ली, तो आप क्या कहोगे, 1936 में कर दिया गया, ठीक है। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। जब भाई वहां पे ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया, तो एक क्वेश्चन बनता था, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद इसका कोई डायरेक्टर बना, क्या, डायरेक्टर बना, तो पूछा जाता है कि IARI के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे, तो आप लिख लीजिएगा कौन थे, बी विश्वनाथ, ये फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे, किसके, IARI के। भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इनको क्या किया गया था, बना दिया गया था IARI के डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे, बी विश्वनाथ। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को फ्रीडम मिली, फ्रीडम मिलने के बाद फर्स्ट कौन थे, तो BP पाल साहब थे, कौन थे, BP पाल। तो ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन था, बी विश्वनाथ, और आजादी के बाद पहला कौन था, आपके BP पाल साहब थे। तो इतनी सारी चीजें आप याद कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या हुआ, 1936 की बात हो गई ना, अब बात करेंगे 1946 1947, ठीक है, 1958, ये तीन चीज और याद रखिए, ठीक है,
इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए 1946 में क्या हुआ, जो ये 1923 में डिप्लोमा की डिग्री दे रही थी ना, डिप्लोमा एसोसिएट की डिग्री दे रही थी कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया। तो 1946 में क्या किया गया, एमएससी के इक्विवेलेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एमएससी। एमएससी आज के डेट में आईआरआई में यूजी नहीं होती, लेकिन पीजी पीएचडी होती है। तो डिप्लोमा एसोसिएट की डिग्री किसके बराबर कर दिया गया, एमएससी की डिग्री के बराबर कर दिया गया। कब किया गया था, 1946 में। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तब 1947 में क्या हुआ, देखिए 1947 से पहले क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। 1947 में इस इंपीरियल को चेंज कर दिया गया इंडियन में, तो 1947 से क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो पूछा जाता है कि इंपीरियल को कब इंडिया में, इंडियन में चेंज किया गया था, कब किया गया था, 1947 में। अब बात आएगी 1958 में क्या हुआ था। देखिए 1958 में ICAR के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि IARI को कब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1958 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, ICAR के द्वारा बनाया गया था। IARI का काम क्या होता है, रिसर्च भी करता है, वो एजुकेशन भी करवाता है, दोनों काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो BSc तो होता नहीं, MSc के लिए ना काफी बंदे IARI के लिए पागल हुए रहते हैं। ठीक है, वहां पे हर सब्जेक्ट में 2-4 सीट ऐसे MSc के लिए होती है। हमारे काफी दोस्त वहां पढ़े लिख रहे हैं और बहुत अच्छा कैंपस है, एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए। भाई एडमिशन नहीं हुआ तो भी आप घूमने जाइए, अगर दिल्ली साइड जा रहे हो तो एक बार जरूर घूम के आइए, वहां का एक माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। जैसे कि आपको हमने एक दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, पहले ही लेक्चर में बताया था क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात अगर आएगी कि इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, ICAR का रहा कि IARI का रहा, तो यहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, इसी का था, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात आएगी कि सेकंड पे कौन था, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यही दोनों ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा काम किए थे और सबसे ज्यादा इन्हीं को बेनिफिट भी हुआ था। ठीक है, ICAR का नहीं था। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, मे बी आपको IARI के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताओ, ठीक है, जैसे कि उस पर हम काम कर सकें। ठीक है, देखिए थोड़ा आप पढ़ लीजिए इसके बारे में, मैंने सारी चीजें बता दी ड्यूरिंग। ठीक है, 1901 से 1905 में 1 अप्रैल को क्या हुआ, ये भी मैंने बता दिया। 1911 को क्या हुआ, ये भी बताया। 1919 को क्या हुआ, ये भी बताया। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 1923 वाला नहीं, जब डिप्लोमा देना स्टार्ट किया था। ठीक है, बिल्डिंग भाई हो गई थी डैमेज, उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, उसके नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, और उसको क्या कर दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। पूसा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वहां के एक फिलिप साहब थे, उन्होंने भारत सरकार को क्या दिया, पैसा दिया, इसी वजह से उनके सम्मान की वजह से पूसा लिखा जाता है। ठीक है, इतना आपके हो गया। चलिए चर्चा करेंगे किस पे, आपके ICAR के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ICAR के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एक एक करके हमें आपको देखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, अगर आ रहा है तो सारी चीजें आप जरूर बताना। ठीक है यार, क्या हो जाता है। चलिए देखिए, ICAR जो है वो जानते हो रिसर्च एंड एजुकेशन की सबसे अपेक्स बॉडी है, तो क्वेश्चन भी यहां पे बनता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चलिए देखा जाता है। ठीक है, जैसे 1871 की बात है, कब की बात है, 1871 की बात है। 1871 में उस टाइम जानते हो भाई आजाद तो भारत हुआ नहीं था, अंग्रेज राज कर रहे थे, तो वहां का एक बंदा था, उसका नाम क्या था, AO ह्यूम।
ये ह्यूम साहब थे, ठीक है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया, किससे किया, मायो साहब से किया, ठीक है, किससे किए, मायो साहब। मायो साहब उस टाइम कौन थे, आप लिख सकते हो क्या थे, वाइस रॉयल्टी थे, ठीक है, वाइस रॉयल्टी थे। एओ ह्यूम साहब ने मायो साहब से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई एक डिपार्टमेंट का गठन किया जाए एग्रीकल्चर में। तो उस टाइम ने तब ये जो मायो साहब थे तीन डिपार्टमेंट का गठन किए थे, किसका किसका किए थे, एग्रीकल्चर का किए थे, रेवेन्यू का किए थे और कॉमर्शियल का किए थे, ठीक है, बात समझे नहीं, कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया और आपका ये जानते हो रेवेन्यू, ठीक है, ये सब चीजें का किया गया था, रेवेन्यू मतलब राजस्व, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, राजस्व हो गया और वाणिज्य हो गया, इसका तीनों का एक साथ गठन कर दिया गया, कब, 1871 में। फिर इसके 10 साल बाद, कब 10 साल, कितना हो जाएगा 1881, ठीक है, इसी के आगे लिख लो 1880। तो यहां पे जो फेमिन डिपार्टमेंट था, जो अकाल आयोग था, उसके रिक्वेस्ट पर, ठीक है, क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया कब, 1880 में, फिर 1881 में इसमें से एग्रीकल्चर को एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर को कब अलग किया गया था, 1881 में किया गया था, किसके रिक्वेस्ट पर, जो अकाल आयोग था, ठीक है, ये सब चीजें छोटी सी हिस्ट्री है। उस टाइम चेयरमैन कौन था, जब इसका गठन हुआ था, आप क्या कहोगे, लॉर्ड मायो थे, कौन, लॉर्ड मायो, किसके रिक्वेस्ट पे, एओ ह्यूम के रिक्वेस्ट पे ये सब चीजें हुई थी, बात समझ गए कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, सबसे पहले डिपार्टमेंट की 1871 में, अलग कब किया गया, 1881 में, ठीक है, चलिए फिर आप लिख लीजिएगा 1926, फिर 1928, 1929, इसके बारे में पढ़ लो। देखिए 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया, देखिए पीपीटी अभी आपको सब मिलेगा, ठीक है, अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए, नहीं तो पीपीटी आपको मिलेगा, बात समझे नहीं, हमने पीपीटी से नहीं इससे पहले पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे बोले कि सर हमें मैटर देकर पढ़ाइए, मैं बस हेडिंग में पढ़ाता था, चलो वो भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत आए हमारा नंबर आप जानते हो, उस पर आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत आए आप बताओगे, जरूर उसका सलूशन लाऊंगा आपके सामने, इस चीज का प्रॉमिस करता हूं। और भाई आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि चैनल को धुआंधार हर जगह शेयर करिए, और आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आ गया इंडिया में, लेकिन ये 1928 में क्या किया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो पूछा जाता है, देखिए आना अलग बात है, लेकिन काम करना या काम स्टार्ट करना वो अलग बात है। जैसे मैं आपको 100 रुपए दे दूं, कह दूं ले जाओ मेरे बैंक में डाल दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, ठीक है, आप क्या करोगे, आज ना डाल के 4 दिन बाद डालोगे, यही तो करोगे। तो भाई अगर हम कानूनन देखा जाए, मेरे अकाउंट में पैसा कब आया, कि 4 दिन बाद आया, लेकिन हम आपको पैसा डालने के लिए कब दिए थे, आज। तो यही चीज हुआ था। तो रॉयल कमीशन आ गया था एग्रीकल्चर में 1926 में, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1928 में किया, क्या 1928 में किया। तो पूछा जाता है या बोला जाता है कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया, तो इंसान क्या बोलता है, 1928 में आ गया था 26 में, लेकिन वो रिपोर्ट अपना सबमिट किया, वर्किंग में आया कब आया, 1928 में, ठीक है। जब ये आ गया तो ये रिक्वेस्ट किया, उस टाइम के वाइस रॉयल्टी साहब कौन थे, वाइस रॉयल्टी साहब कौन थे, आप जानते होंगे, लिनली थिगो, ठीक है, लिनलिन थिगो साहब थे। इन्होंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, 16 जुलाई 1929 में ICAR की स्थापना कर दी। तो ये जो लिन लिंथो साहब थे, ये चेयरमैन भी थे इसके उस टाइम। तो पूछा जाता है कि चाहे आप कह सकते हो वाइस रॉयल्टी कौन थे, वायर सायर जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हो कि उस टाइम इसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन कौन थे,
लिन ली थिगो साहब थे। बात समझ गए कि नहीं? तो इनके रिक्वेस्ट के बाद ICAR की स्थापना कर दी गई। कब? 16 जुलाई 1929 को। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और ICAR का जो फुल फॉर्म था तो उस टाइम क्या था? इंपीरियल। क्या था? इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये सब चीजें धीरे धीरे होती गई। चलिए 1929 के बाद क्या हुआ? 1946 आया। क्या आया? 1946। 1946 में उस इंपीरियल को क्या कर दिया गया? इंडियन में मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया गया। इंपीरियल अच्छा नहीं लगता था तो उसको इंडियन कर दिया गया। बात समझ गए कि नहीं? तो पूछा जाता है कि उसको इंपीरियल को इंडियन कब किया गया, तो आप क्या कहोगे? 1946 में। इतनी सारी चीजें समझ गई होगी, समझ में आ गई होगी आपको बात। अब बात करेंगे ICAR की उपलब्धि क्या है। ठीक है, एक एक करके आप उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ICAR की उपलब्धि की बात करेंगे तो 1957 में सबसे पहले एक उपलब्धि आई। कब? 1957 में। क्या आया? आप जानते हो AICRP आई। ठीक है, 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आया। ठीक है, किस क्रॉप पे आया था? ये मेज के ऊपर सबसे पहले काम किया गया था। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट था कब स्टार्ट किया गया था? 1957। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले कौन सी क्रॉप आई थी? मेज आई थी। तो मेज की कौन सी वेराइटी फर्स्ट है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी, तो आप लिख सकते हो कौन सी थी? गंगा फर्स्ट। क्या थी? गंगा फर्स्ट इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आएगी इसकी एक उपलब्धि और थी। क्या? 1958 में क्या किया? 1958 में IARI को क्या कर दिया? डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1960 आ गई। 1960 में क्या हुआ? फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब हुआ था? 1960 में। तो कहां पे है? पंतनगर में है। पंतनगर जानते हो, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कब हुई थी उसकी स्थापना? 1960 में हुआ था। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर 1973 आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डेयर की स्थापना हुई। क्या? डेयर जानते हो क्या होता? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, जो कि ICAR के अंतर्गत जो रिसर्च और एजुकेशन होता है, ठीक है, उसको देखभाल कौन करता है? डेयर। ICAR के ही द्वारा इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। फिर देखिए 1974 में क्या हुआ? फर्स्ट KBK कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। कहां पे किया गया? पौंडचेरी में। जो एक केबी के होते हैं किसके अंडर में होते हैं? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होते हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो फर्स्ट केबी के काम उसके अंदर में किया? तो आप कह सकते हो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फर्स्ट केबीके की स्थापना कब हुई थी? 1974। कहां पे हुआ था? पौंडचेरी में। किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था। उपलब्धि की बात कर रहे हैं। अगली उपलब्धि कब आई थी? 1979 में। कब आई थी? 1979 में। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या था। देखिए जो 1979 था, देखिए ICAR डे कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1929 में। 1929 और 1979 के बीच में 50 साल का गैप है कि नहीं है? है कि नहीं? 50 साल का। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है क्या? सिल्वर जुबली ईयर। क्या बोला जाता है? सिल्वर जुबली ईयर। इसी टाइम लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। क्या? लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1979 में। ठीक है, और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? सिल्वर जुबली ईयर। इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाता है कि जुबली ईयर कब मनाया गया, तो आप क्या कहोगे? 1979 में। ठीक है,
इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगली उपलब्धि के बारे में देखते हैं, 1996 इसमें क्या हुआ, नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई। क्या नेशनल जीन बैंक कब आया, 1996 में। फिर क्या हुआ, 2006 में, 2006 में क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाता है 2006 में क्या आया, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगला उपलब्धि क्या है, 2006 में आया, क्या है, NAIP, इसका नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। बात समझ गए कि नहीं, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है ICAR के चेयरमैन और प्रेसिडेंट में, चलिए आज देख लीजिएगा, आपका यह भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, चेयरमैन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रेसिडेंट। देखिए चेयरमैन को ही क्या कहा जाता है, DG कहा जाता है। प्रेसिडेंट और चेयरमैन में कौन कौन होते हैं, क्या डिफरेंट है देखिएगा। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है ICAR का, जो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, भारत का जो कृषि मंत्री होता है वही क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, किसका, ICAR का। चेयरमैन और डीजी क्या होते हैं, जो उसके मालिक के हिसाब से देखा जाए, जो अंदर का पूरा काम देख रहा है, बात समझना, ICAR के अंडर में जो काम हो रहे हैं पूरा, उसका मालिक कौन है, डीजी, उसी को क्या कहते हैं, चेयरमैन। तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, त्रिलोचन महापात्रा जी हैं। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, भारत के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और फर्स्ट चेयरमैन कौन था, आप याद कर लीजिएगा, बीपी पाल साहब थे, कौन, बीपी पाल। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला साहब, क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये कुछ ICAR की उपलब्धियां हैं जो कि आपको एक एक करके हम बता दिए हैं। आगे देखते हैं, यहां पे आपको सारी चीजें PDF के रूप में भी मिलेगी, देख सकते हैं आप। काउंसलिंग, इंडियन काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के बारे में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ रिसर्च इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है या नेटवर्क है आप कह सकते हो, जैसे अपने यहाँ ICAR होता है, चाइना में कॉस होता है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ICAR का न्यू दिल्ली, ठीक है। विच क्रॉप इज मेंशन इन ICAR लोगो, उसके लोगो में कौन सा क्रॉप का मेंशन किया गया, मैंने पहले ही बताया था, व्हीट। और इसका स्लोगन क्या होता है, ICAR का स्लोगन क्या होता है, भैया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या करना, सर्च करना, किसके लिए, जो हमारे आपके लाइफ से टच होता है, ठीक है। ICAR के द्वारा पब्लिश्ड बुक कौन सी है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। देखिए फिशरीज और एक्वाकल्चर में डिफरेंट क्या है, फिशरीज मतलब आप समझते हो जब मछली का पालन करोगे, ठीक है, या मछली के बारे में अध्ययन करोगे। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता, पानी के अंदर चाहे जो चीजें आप कर रहे हो, चाहे प्रॉन हो, चाहे आपका फिशरीज हो, कुछ भी आप पानी के अंदर करोगे वो क्या कहलाएगा, एक्वाकल्चर। फिशरीज आपको समझ में आ गई होगी। ICAR डे कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे बात आती है कि प्रेसिडेंट, अभी मैंने चर्चा कर दिया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो भारत का कृषि मंत्री होता है वही इसका प्रेसिडेंट होता है। और इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी कौन कहलाते हैं, डायरेक्टर जनरल, DG कौन है, त्रिलोचन महापात्रा, अभी मैंने बता दिया। इनके अंदर में 8 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 24 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सारी चीजें एक एक करके मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है। 1957 में क्या आया था, AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन सी क्रॉप सबसे पहले यूज की गई थी, मेज। उसकी कौन सी वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप की गई थी, गंगा फर्स्ट, ठीक है। 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1973 में DARE की स्थापना हुई। 1974 में फर्स्ट KBK की स्थापना हुई। 1996 नेशनल जेल बैंक की स्थापना हुई। और 2006 में NAIP की स्थापना हुई, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ICAR इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इसके अंडर में
कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं 65, कितने नेशनल ब्यूरो हैं 6, नेशनल रिसर्च सेंटर जिसको क्या बोलते हैं एनआरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनआरसी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा क्या बोलते हैं एनआरसी बोलते हैं। फर्स्ट एनआरसी कौन सा है, जूनागढ़ वाली, किस क्रॉप पे काम करती है, ग्राउंड नट, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट कितने हैं आप देख सकते हो, 13 है। जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की डायरेक्टरेट ऑफ मेज, डायरेक्टरेट ऑफ वीट, डायरेक्टरेट ऑफ राइस, सबके डायरेक्टरेट हैं। आपकी राइस का कहाँ है राजेंद्र नगर, वीट का कहाँ है करनाल, मेज का कहाँ है न्यू दिल्ली पूसा। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है 60, और 722 आपके क्या हैं केबीके हैं। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इम्फाल में, जो फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, झांसी में है। और राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, आपके पूसा बिहार में। ये भी चीजें आपको याद रखना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी 6 हैं, लेकिन वर्किंग टाइम की बात करेंगे तो 4 हैं। तो आप ये 4 याद रखिएगा, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी, और CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड एजुकेशन, ये कहां पे है मुंबई महाराष्ट्र, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि लेक्चर जितना था मैंने कवर कर दिया, IARI और ICAR से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको PPT में दिया है, आप इसको एक एक करके लिख लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ICAR से नहीं पूछे जा सकते हैं, और लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। और क्लास को एंड करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं आपसे, आप डेली वीडियो देखते होंगे और जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, और क्योंकि आपको पता है आज याद एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा लेकिन 10 दिन बाद आपको भूल जाएगा। अब डेली वीडियो तो आप देखोगे नहीं, तो आप अपना नोट्स पलटोगे तो सारी चीज़ें आपके बुक में रहेगी, उसको एक बार रिवीजन कर लोगे कम टाइम में तो सारी चीज़ें आपको याद होती रहेगी। और भैया फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को शेयर करिए, अपने ग्रुप अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए और स्टेटस लगाइए, जैसे कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके ये चैनल, क्योंकि आपको पता है ये चैनल आप ही के लिए काम कर रहा है और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो इतना सारी बातें आपसे कर भी लिए हैं और डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कुछ छोटे भाई हमारे जो हैं जो अभी 12th में हैं या 12th पास कर लिए हैं, यूपी कैटेट BSCAG की तैयारी करना चाह रहे हैं या BHU की तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं, छोटा मैसेज देना चाहते हैं कि आपका बैच जल्द से जल्द हम लाने वाले हैं और धुआंधार क्लासेस उसमें देंगे, टेस्ट सीरीज पूरी देंगे और सब कुछ। अभी हमारा ऐप वाला काम कुछ चल रहा है, जैसे 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा फिर हम आपके सामने वो चीज़ें बताऊंगा अब आपको करना क्या है। तब तक आप ये सब चीज़ें देखते रहिए, वहाँ टोटल आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, मैटर भी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, ऐसा नहीं कुछ चीज़ें बन भी रही हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें बना ली गई हैं, तो आप ही के लिए डेली कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो आप वेट करिए, और ऐसा भी नहीं यहाँ पे जो बता रहे हैं इसमें से आपके लेवल की चीज़ें नहीं है, है ठीक है। जैसे आपसे यही सब पूछा जाएगा, ICAR डे कब मनाया जाता है, ICAR का हेड ऑफिस कहाँ है, कब इसको डेवलप किया गया था या एस्टेब्लिश्ड किया गया था, कौन सी क्रॉप मेंशन की गई है, क्या क्या इसके काम हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया है, आप उसमें जाइएगा पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।